चलिए आपको अंदर चल के एक्सप्लोर कराता हूँ, पूरा नॉस्टैल्जिया वापस आ रहा है। आइए मैम आइए, एक साल बाद इससे मिला, बहुत अच्छा लगा। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। यार कैसे हैं आप सब? आज का वीडियो बहुत ही मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज मैं आया हूँ अपने कॉलेज एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी, चलिए आपको यहाँ पर एक्सप्लोर कराता हूँ। फाइनली आफ्टर वन ईयर और ऑलमोस्ट वन ईयर मैं जा रहा हूँ वापस से कॉलेज। बहुत ही नॉस्टैल्जिक मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि पर्सनली मेरा कॉलेज खत्म हो चुका है, कुछ काम से जा रहा हूँ। फाइनली आफ्टर 10 मंथ्स कॉलेज जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट आने वाला आधे सप्ताह ग्राम, फिर आपको दिखाता हूँ। आ गए अपना देश, वाओ व्हाट अ चेंज ब्रो, इट्स डिजास्टर। फाइनली आ चुका हूँ 10 महीने के बाद अपनी जगह पे, जहाँ पे मैंने अपने 4 साल बिताया है। चलो अब चलते हैं कॉलेज, सीधा ट्रेन जा रहा है, इसको टाटा बाय बाय कर देते हैं। स्टेशन दिखाता हूँ थोड़ा, देख लो डिजास्टर पूरा तोड़ के बना रहा है, पूरा हाल देख सकते हैं। आदि सप्ताह ग्राम स्टेशन का पूरा टूट चुका है, अब इसमें अम्फन भी आया था, अब ये स्टेशन बन भी रहा है, पूरा एक्स्ट्रा ट्रैक लग रहा है इस साइड में, तो पूरा तोड़ के बनाएगा। इस जगह पे ठंडा पानी मिलता था, हम लोग यहाँ से ठंडा पानी पीते थे। चेंजेस देख सकते हैं आप, पूरा यहाँ पे रोड तोड़ दिया, सीधा बना दिया है, वहां से टनल जैसा कुछ बना दिया है। सीरियसली पूरा चेंज हो चुका है, जो एटीओ पढ़ते हैं उनको समझ में आएगा, उस वक्त बंद रहता जब कॉलेज छोड़ लेते। आइए यहाँ का जीरोक्स दुकान बनाया है, एओटी जाने का शॉर्टकट है। दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर ऑल द एओटीएंस। अभी मैं खड़ा हूँ अपने कॉलेज के बाहर, चलिए आपको अंदर चल के एक्सप्लोर कराता हूँ। ओह माय गॉड सीरियसली पूरा नॉस्टैल्जिया वापस आ रहा है कॉलेज अपना। एओटीएंस देख लो हाल, और अपने सारे एओटीएंस के साथ शेयर कर दो। अरे यार पूरा तोड़ दिया यार, सीरियसली क्या हाल कर दिया यार। यहाँ पे देखो गार्डन हुआ करता था, यहाँ पे क्या कर दिया, अब इसको उगने में पूरा टाइम लगेगा। कमेंट करके बताओ एओटीएंस पहले वाला लुक अच्छा था या अभी वाला? मुझे तो पहले वाला डेफिनेटली, मेरे लिए वो बहुत यादगार है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये आप देख सकते हैं पूरा कंस्ट्रक्शन चारों तरफ, इवन ये वर्कशॉप भी देखिए पूरा तोड़ दिया, अच्छे से बना रहा है, पूरा जमीन इक्वल कर दिया है, बीच का पूरा ग्रीनरी तोड़ दिया है। ये अभी अच्छा तो नहीं लग रहा है, आई थिंक जब पूरा पेड़ आ जाएगा उसके बाद बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन फिर मेरे हिसाब से पहले जो था वही बेहतर था। पूरा बंद रहा, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, थोड़ा कैंटीन का हाल दिखाता हूँ आपको। ये वाला भी पूरा तोड़ दिया, देखिए जो पूरा ग्रीनरी था सारा खत्म कर दिया, और अपना इसी बिल्डिंग और मैकेनिकल बिल्डिंग, ये इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग में टॉयलेट तोड़ के पूरा बालकनी बना दिया। ये देख सकते हैं आप कैंटीन का कुछ हाल, पूरा मतलब चारों तरफ कंस्ट्रक्शन कर रहा है सीरियसली, पूरा शायद यहाँ पे पूरा पेड़ लगाएगा लगता तो वही हमको। मैं आपको बता दूं कॉलेज में ऐसे घुसने भी नहीं दे रहे, गेट पे रजिस्टर में साइन कराया, फिर यहाँ पे एडमिन बिल्डिंग में साइन कराया, दोनों जगह हैंड सैनिटाइज करवाया। अच्छा है, एक्चुअली अच्छा है ये चीज, कोरोना की वजह से ना कोई भी आना जाना नहीं कर सकता है। गया सर से थोड़ा बात किया अकाउंट डिपार्टमेंट में, अच्छा लगा, पर सीरियसली वैसा वाला वाइब्स आ ही नहीं रहा जैसे कॉलेज में आता था, क्योंकि पता है ना स्टूडेंट से रौनक रहता है कॉलेज में, कोई है नहीं, यही सब यादें हैं जो बाद में याद आएंगी। ये आप देख सकते हैं बी ब्लॉक का हाल कुछ, ये अपना गैलरी पूरा यादगार, ये अपना ये ब्लॉक,
चलिए आपको लाइब्रेरी के पास लेके चलता हूँ। हालांकि सब कुछ बंद है बट नॉस्टैल्जिया है। मेरे सारे दोस्त देख के ऑब्वियसली इमोशनल हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है। अगर आप ये वीडियो देख के इमोशनल हो रहे हो तो यार मुझे कमेंट करके बताओ। लाइब्रेरी यहीं पे बैठ के अपन लोग पढ़ते थे, मज़ा आता था। एक चीज़ मैंने नोटिस किया पता है क्या, जब भी मैं कोई इंस्टीट्यूशन छोड़ता हूँ ना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ही शुरू हो जाता है। बट सीरियसली यार बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ कॉलेज को, अपने दोस्तों को सबसे ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। आज मुझे यहाँ पर आके समझ में आया, लोगों से माहौल बनता है, जगह से थोड़ा सा लेकिन लोग से ज्यादा। सो आई एम मिसिंग यू ऑल माई फ्रेंड्स। 8 weeks later। वैसे मैं बता दूं ये आज मैं वापस से दोबारा कॉलेज आया हूँ, समझ लो ये एक महीने में दूसरी बार मैं कॉलेज आ रहा हूँ। इस बार ऊपर आने का मौका मिला तो मैं रिकॉर्ड कर लिया। इस रास्ते से पहली बार एंट्री लिया जा रहा है 4 साल में, कह सकते कि भाई इस रास्ते से घुस के कैसा लग रहा है पहली बार? AOT का सस्पेंस खत्म हो रहा है, सच में मतलब नया कुछ हो रहा है। बाप रे बाप, इस रास्ते का राज। कुछ कहना है भाई आपको? ना कुछ कहना, ये अपना EM सर्किट थ्योरी का लैब था ना, सर्किट थ्योरी लैब था। यहाँ पे कहाँ है बे? कुछ भी नहीं, हमको लगा गुफा है, हमको लगा गुफा है। बैक डोर एंट्री, सही बात है। ये अपना जहाँ से पानी पीते थे, प्रोजेक्ट का जमा देते हो अब। क्या हाल हो रखा है रे, 1 साल में पूरा गंदा है। अभी भी दिया हुआ, मेरा भी दिया हुआ है साकी बिजाज। ओ माय गॉड, पूरा लैब पूरा नॉस्टैल्जिया आ रहा है। 1 साल में हाल देख रहा, लग रहा हम लोग पहले इंसान है जो चढ़ रहे हैं। ओ भाई क्या हाल हो रखा है। क्या हाल है देखो भाई, कुछ बोलना है? नहीं नहीं कुछ बोलना नहीं है, मतलब ये कहाँ है, अपना बिल्डिंग खड़ी तो समझ में नहीं आ रहा। 1 साल के बाद तो ऊपर एंट्री ले रहा है क्योंकि कोरोना के वजह से बंद था पूरा। सत्या की कहाँ गया? ये छत का रास्ता, ऊपर जाना बंद है, रास्ता बंद है। क्या हाल हो रहा है, पूरा कॉलेज में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वेयर आर यू माई ब्रो? सत्या की वो रहा, हम खोजते खोजते उसको परेशान हो गए और वहाँ पे है वो। चलो चलते हैं। और भाई 4 साल में जो कभी नहीं आज तक कर दिया, जो 4 साल में कभी नहीं आज तक कर दिया, लेडीज टॉयलेट में घुस गया। स्टाफ टॉयलेट था भाई, कहाँ लेडीज टॉयलेट, कुछ भी बोलता है। हम गए थे अपना स्टाफ चेंज टॉयलेट पे। अच्छा। और ये गया लेडीज टॉयलेट, हम बोले नहीं जा। अब नजारा दिखा दो अपना ऑडियंस को। ये अपना कॉलेज, ये नहीं है, ये था अपना डिपार्टमेंट। तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, सारा AOTians याद ताजा हुआ या नहीं। और स्पेशल थैंक्स टू माय ब्रो, आइए मैम आइए। 1 साल बाद इससे मिला, बहुत अच्छा लगा। ऑलमोस्ट 1 साल। CB की खुदाई देखने जा रहा है सत्य की, ये कैंटीन का देखो यार, ग्रेडेशन हो रहा है, पूरा तोड़ के अच्छे से बन रहा है। और अच्छा ये स्पेस निकाला रे, पूरा एक्स्ट्रा स्पेस निकाला है। एक्चुअली 2 कैंटीन हुआ करता था, एक टीचर्स का उधर था, एक स्टूडेंट का यहाँ था, दोनों को मिक्स कर दिया। फ्लैशबैक, मजा आया। देख लो यारो अपने कॉलेज का हाल, वो हॉस्टल्स है और ये अपना इस CSE डिपार्टमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा सुनसान है। यहाँ पे यूजुअली जो नॉर्मल डेज में ना पूरा खाने का यहाँ पे लगा रहता है लाइन से, पूरा फूड चेन बाहर में भी। और यहाँ पे गन्ना का जूस मिलता था, मैं काफी ज्यादा याद है। ये एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये है GT रोड। तो इस वक्त मैं कॉलेज से निकल चुका हूँ, जा रहा हूँ शॉर्टकट से स्टेशन। ये रहा अपना शॉर्टकट जहाँ से हम लोग स्टेशन से कॉलेज आते थे। ये गली उस वक्त ना पूरा ग्रीन हुआ करता था, अभी पूरा काट के रखा है, बट मजा आ रहा है, सारी यादें ताजा हो रही है। आज कुछ फेयरवेल तो मिला नहीं कोरोना की वजह से, अपना कॉलेज लाइफ आखिरी का पूरा बर्बाद हो गया यार, मजा आ रहा है सीरियसली। दोस्तों तुम लोग सब मिल के प्लान करो, हम लोग सब आएंगे। अरे मुझे लगा था ट्रेन है नहीं, बट बर्दवान हावड़ा अनाउंस किया है। चलो वापस से भाग के जाते हैं। फाइनली कॉलेज, बहुत ही ज्यादा याद ताजा हुआ, अच्छा लगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है मेरे दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे ऑडियंस के साथ शेयर कर दो। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।
फाइनली फिर से प्रॉपर गुड बाय बोल सकता हूँ यहाँ को आदि सप्तोग्राम को, बाय बाय। उस वक्त तो कब, जब लास्ट टाइम तो बोल भी नहीं पाया था जब एग्ज़ाम दे के निकला था, क्योंकि पता ही नहीं तो वो आकर ही नहीं था, बट अब जा रहा हूँ, बाय।